हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत आसान तरीके से पुडिंग बनाना सिखाऊंगी, वो भी बस चार इंग्रेडिएंट्स से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे, फिर हम इसमें 6 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। को जैसा मीठा चाहिए उस हिसाब से कम या ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा अच्छे से चला देंगे। अब जब तक इसमें कलर चेंज ना आ जाए तब तक हम इसे थोड़ा चलाते रहेंगे। अच्छे से कैरामलाइज हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक क्लीन बोल में डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे सेट होने के लिए। अब हम पुडिंग बनाने के लिए 2 अंडा लेंगे और चीनी 6 टेबलस्पून। अब अच्छे से इसको फैट लेंगे। थोड़ा फैटने के बाद अब हम इसमें फ्रेश 2 कप्स मिल्क डालेंगे और थोड़ा फ्लेवर इन्हांस के लिए 2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। अब दोबारा इसे अच्छे से फैट लेंगे। अब इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब रेडी किया हुआ पुडिंग को कैरामलाइज के बोल में डाल लेंगे। अब इसे हम स्टीम करने देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा पैन लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे। फिर कोई स्टैंड या कपड़ा लीजिए सेट होने के लिए ताकि हिले ना। मैंने यहाँ अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है। अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक स्टीम करने देंगे। थोड़ा बीच में चेक कर लेंगे हम। बस तैयार है हमारा एक पुडिंग। इसे अब हम रूम टेम्परेचर या फ्रीजर में चिल और सेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। चले फिर इसको देखते हैं कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसे कट करेंगे और देखेंगे ये काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट बनकर तैयार है एक पुडिंग, वो भी बस 4 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार है। इसे गर्मियों में भी ट्राई कीजिए, चिल और मज़ेदार। ये काफ़ी बच्चे को भी पसंद आएगा। शौक से खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।